इंद्री बीडीपीओ कार्यालय के नजदीक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व युवा नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पार्टी जिस किसी को भी टिकट देती है सभी इसका पूर्ण सहयोग करेंगे। साथ ही इस बात पर विचार किया गया कि पार्टी का कोई भी दागी या बागी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार के उम्मीदवार को पार्टी द्वारा भेजा जाता है तो उस पर विचार किया जाएगा। पार्टी हाई कमान को पूर्ण विचार करके यह निर्णय लेना चाहिए। मेरा नाम रोहित चौरान है, मैं हल्के से युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूं और आज हमने युवा कांग्रेस पूरी टीम की मीटिंग बुलाई है, जिसमें हमारे पंचायती राज के भी साथी आए हैं और सेवा दल से भी साथी आए हैं। तो सभी साथियों ने बैठ के मिल के विचार किया है कि हम पार्टी हाईकमान से अपील करते हैं कि अब की बार जो टिकट दे वो बड़ी सोच समझ कर दे, क्योंकि पिछले 20 साल से लगभग हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत करके मनोबल टूटा है। अब मौका आया है तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरा उत्साहित है, तो हम चाहेंगे कि किसी यूथ कांग्रेस के या सच्चे कांग्रेसी नेता को, ना कि किसी भगोड़े नेता को टिकट दी जाए, एक सच्चे कांग्रेसी नेता को टिकट दे के हमारे बीच में भेजे, चाहे वो सेवा दल से हो, चाहे यूथ कांग्रेस से हो, चाहे पंचायती राज से हो। बाकी जो हमारे आदरणीय देंगे हम उसका तन मन धन से साथ देंगे। बिल्कुल पार्टी को हर बारीकी से प्रत्येक जिन्होंने आवेदन किया है प्रत्येक आवेदक को जांच के पूरी अच्छे तरीके से टिकट देना चाहिए। जो पिछले 10 साल से जनता के बीच में है, सुख दुख में है, उनको टिकट दी जाए। लोकसभा हमारे हल्का इंद्री से 3 यूथ के लोगों ने अप्लाई किया, उसमें सुमित मंडाण भी है, उसमें मैं भी हूँ जो प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस का, उसमें अखिलेश गौतम भी है। तो हम आपस में हमारा भाव किसी यूथ को मिले ताकि हमें भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, अपने हल्के की सेवा करने का मौका मिले और कुछ कर दिखाने का जज्बा है कि हल्के के लिए कुछ कर दिखाएं, ताकि एक नया जोश, जब कुछ क्षमता होती है कुछ कर दिखाने की तो कुछ करके दिखाए, तो हल्के के लोग समझें कि यूथ को टिकट मिली भी थी, निभाकर भी दिखाया। ये तो तय हाईकमान को करना है, लेकिन हम अपना पक्ष रख सकते हैं। टिकट उनको देनी है, हमें अपना पक्ष ये रखेंगे कि पार्टी ऐसे उम्मीदवार का मौका ना दे कि पार्टी को बाद में पछताना पड़े। पार्टी जिताऊ और टिकाऊ ऐसे ही उम्मीदवार को टिकट दे जिससे कि पार्टी को नुकसान ना झेलना पड़े। यहाँ से कितने लोगों ने आवेदन? तो 41 लोगों ने किया है, लेकिन हमारी अपील यही है कि संगठन के आदमी को, जो पार्टी का आदमी हो, पार्टी कैडर का आदमी हो, ऐसे आदमी को मौका दिया जाए। संजय चंदेला, मैं पूर्व लोक समिति मेंबर, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला का अध्यक्ष हूँ। आज जो मीटिंग हुई है, क्या उद्देश्य इस मीटिंग का? आज की जो मीटिंग है ये युवा टीम के द्वारा बुलाई गई थी, इंद्री में एकत्रित हुए हैं। तो आज ये युवा का जो मुद्दा था कि भी जो भी पार्टी हाईकमान जिस भी आदमी को टिकट दे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो और कांग्रेस की नीतियों के साथ वो उसने हल्के में काम किया हो, तो जो भी पार्टी जिसको भी टिकट दे तो वो एक पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि उस आदमी का बैकग्राउंड देख करके कि भी ये पार्टी के साथ लोकसभा में कैसे चला, विधानसभा में कैसे चला, पूर्व में ये कहाँ था कहाँ नहीं था, ठीक है ना। तो उस चीज़ को लेकर के ये मीटिंग रखी गई है। युवाओं का कहना है कि हमारे को भी मौका दिया जाए। मेरा तो ये कहना है कि पार्टी से आदरणीय हमारे सीनियर लीडरशिप से, क्योंकि जो भी पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है, जो संगठन का सिपाही है, जो किसी भी पंचायती राज से जुड़ा हुआ, युवा से जुड़ा हुआ, सेवा दल से जुड़ा हो, ये सीनियर लीडरशिप से जुड़ा हो, संगठन के आदमी को ही पार्टी टिकट दे करके भेजे और उस पर पूरी युवा की जो टीम है ये सहमत है। अनदर जो पार्टी बाहर के नेता के बारे में बोल रहे हैं, अभी बाहर से कोई भी आ जाएगा, किसी किसी का नाम हमारा भी, हमारे को उसके बारे में पता नहीं होता तो कल को सब युवाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए पार्टी की जिम्मेवारी बनती है। अगर स्टैंड है कि पार्टी बाहर से लीडरशिप को तो भेज सकती है, पर लेकिन उसको टाइम से भेजे, ऐसा ना हो कि पार्टी को पीछे की तरह, जैसे कि अभी
दस दिन का टाइम रह जाए, फिर कैंडिडेट भी आ जाए बाहर से, समझ रहे ना, तो फील्ड भी ना पूरा कर सके, गांव गांव डोर टू डोर ना कर सके, शहर रह जाते हैं, फिर उससे कार्यकर्ता जो लोकल होता है वो हार की तरफ जाता है। पार्टी कहती है भी जो आदमी पूर्व में चुनाव पार्टी के खिलाफ लड़ाओ उसको टिकट हम नहीं देंगे, वो तो हमारे कहने की जरूरत ही नहीं, उसको तो पार्टी वैसे नहीं टिकट दे रही है। इंद्री से मिनपाल कश्यप की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।